हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। मैं इस वीडियो सीरीज में आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से मेरे करंट वीडियो का सेशन है इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल फाइल्स। सिक्वेंशियल फाइल्स क्या होते हैं, फाइल्स सिक्वेंशियली कैसे एक्सेस किए जाते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो कंटेंट को मूव होने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फाइल्स के, जिससे हम फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेनली मैंने यहाँ पे तीन टाइप्स स्पेसिफाई किए हैं। सबसे पहला टाइप है सिक्वेंशियल एक्सेस। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि जो डेटा हमारे फाइल में अवेलेबल है वो हम सिक्वेंशियली एक्सेस करेंगे, उसका मतलब है वन बाय वन। अभी अगर हम सिक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं तो इसी का नाम दिया है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। नेक्स्ट टाइप है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल एक्सेस तो ये तो फर्स्ट टाइप के जैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे एक इंडेक्स फील्ड एक्स्ट्रा है, जहां पे हम हर एक रिकॉर्ड को स्पेसिफिक यूनिक इंडेक्स देंगे और उसके हिसाब से डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके, उस रिकॉर्ड पे जाके हम वो एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड टाइप है हमारा डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डेटा और रैंडमली। ये दोनों फाइल के नाम अलग है, पर उसमें हम एक ही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं और रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के साथ, डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाके इंडेक्स्ड रिकॉर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं बट सिक्वेंशियली, और यहाँ पे डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पे जाके हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो रैंडमली एनी ऑफ द रिकॉर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं। उसमें से इस वीडियो सेशन में मैं फोकस कर रही हूँ सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। तो चलो देखते हैं कि सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो सारे रिकॉर्ड हमारे पास है वो हम सिक्वेंशियली एक्सेस करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लो कि ये तुम्हारी फाइल है जिसमें इतने सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसमें से हम अगर फर्स्ट रिकॉर्ड पे अभी है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को अगर मुझे व्यू करना है, प्रोसेस करना है, तो सिक्वेंशियली मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाऊंगी, उसके बाद सिक्वेंशियली नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड सो ऑन। सो वन बाय वन आप नेक्स्ट 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 रिकॉर्ड सिक्वेंशियली जाके हर एक रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हो, इसीलिए इस फाइल का नाम दिया है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। जो कि रिकॉर्ड आप प्रोसेस कर रहे हो वो आप दो डायरेक्शन पे प्रोसेस कर सकते हो, जो कि होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन और द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन को भी रिवाइंड हम बोल सकते हैं। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको और एक फिगर के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हो गई आपकी पूरी फाइल, जिसमें से मेरी करंट कर्सर की पोजीशन है अप्रोक्सीमेटली फाइल के मिड में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस करंट पोजीशन से मुझे एंड तक, फाइल के एंड तक मूव होना है कौन सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि रीड ऑपरेशन और द राइट ऑपरेशन, तो इस डायरेक्शन में मूव होने के लिए हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। जहां तक कि रीडिंग राइटिंग का सवाल है, यहां से करंट पोजीशन से एंड तक मूव होने के लिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना, और बट सिक्वेंशियली। और अगर मेरे करंट कर्सर पोजीशन से मुझे बिगिनिंग ऑफ द फाइल तक अगर जाना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन और द रिवाइंड डायरेक्शन। सो
रिवाइंड करके हम करंट पोजीशन से वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, बिगिनिंग तक हम पहुंचेंगे, इसको हम बोलते हैं रिवाइंड। सो इस तरह से हम सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं हर एक रिकॉर्ड, आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द रिवर्स डायरेक्शन। अभी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सिक्वेंशियल फाइल हमें कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सिक्वेंशियल फाइल में हम हर एक रिकॉर्ड वन बाय वन एक्सेस करते हैं। तो जब भी कभी हमें ऐसी जरूरत है कि हमें सभी रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, तो उस केस में हमारे लिए सिक्वेंशियल फाइल वेरी यूजफुल होती है। अभी आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उनको पे रोल अपडेट करना है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर पे रोल अपडेट करना है तो उनको सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ेंगे। तो जहां तक कि ऑल रिकॉर्ड्स ऑल एम्प्लॉय का सवाल है, हमें सिक्वेंशियल फाइल सबसे बेहतर है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अभी अगला वाला एग्जांपल यहाँ पे है, अगर सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी जिनका स्टेटमेंट जनरेट करना है और बिल जनरेट करना है और वो कस्टमर को भेजना है, अभी ये भी सभी कस्टमर को अगर भेजना है, फिर से अगर सभी ऑल का सवाल आता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर हमारे पास सिक्वेंशियल फाइल है। इसलिए इस केस में भी हम सिक्वेंशियल फाइल ही यूज करेंगे। सो ये हो गए कहाँ कहाँ हम सिक्वेंशियल फाइल का यूज कर सकते हैं और एप्लीकेशंस कौन कौन से एप्लीकेशन में हम सिक्वेंशियल फाइल यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सिक्वेंशियल फाइल की एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि सिक्वेंशियल फाइल जो है सबसे सिंपल है और कॉमनली यूज होता है, तो ये हो गया इसका सबसे पहला एडवांटेज कि ये तो सबसे सिंपल है और कॉमनली यूज होता है। जहां तक कि सारे सवाल और सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का सवाल है और मोस्ट ऑफ द सभी रिकॉर्ड एक्सेस करने का सवाल है, तो उसके लिए सिक्वेंशियल फाइल सबसे इफिशियंट है, सबसे बेहतरीन है। तो हम अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि जब तक सारे रिकॉर्ड हमें एक्सेस करने हैं तो हम सिक्वेंशियल फाइल यूज करेंगे, पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो हो सकते हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो हम देखते हैं वन बाय वन कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अभी आप सोचो कि अगर मुझे सिर्फ एक और दो रिकॉर्ड वेरी फ्यू रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं तो क्या होगा। सिक्वेंशियल फाइल का रूल ऐसा है कि हमें वन बाय वन रिकॉर्ड सिक्वेंशियली एक्सेस करने हैं, तो मुझे अगर बहुत कम रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं और सर्च करने हैं तो मुझे सब पूरा का पूरा फाइल वन बाय वन प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसके लिए ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। और अगर हमें पूरा का पूरा फाइल एक्सेस करना है, प्रोसेस करना है, अगर हमारे पास सिर्फ एक दो रिकॉर्ड ही सर्च करने हैं तो उसके लिए, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गया, और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है तो उसका प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाता है। सो अगर प्रोसेसिंग स्लो है तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मैंने जो अब तक एक्सप्लेन किया अबाउट सिक्वेंशियल फाइल आपको समझ में आ गया है, और आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट देना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून विथ माई चैनल टेक टॉक्स, कीप वॉचिंग। Thank you.